दिल्ली में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण का कहर, पंजाब में टूटा पराली जलाने का रिकॉर्ड, जाने एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या है आंकड़ा। दिल्ली से एक बुरी खबर है, यहां हर साल होने वाले वायु प्रदूषण ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। जी हां, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पास पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में एक चिंता का बड़ा विषय है, क्योंकि इसका सीधा असर दिल्ली में रहने वालों की सेहत पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली में पटाखों पर बैन लगा दिया था, फिर हवा की ऐसी बुरी हालत क्यों हुई? तो आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण रहा है पंजाब में जलाई जाने वाली पराली। वैसे तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पराली जलाने को लेकर काफी सख्ती की थी, लेकिन बावजूद उसके केवल 2 नवंबर को ही पराली जलाने के आंकड़ों में भारी वृद्धि हुई। जी हां, 2 नवंबर को पंजाब में 3634 पराली जलाने के नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 15 सितंबर से अब तक कुल 21480 पराली जलाने के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2 नवंबर को पराली जलाने के चलते ही कुल 201 किसानों पर सरकार ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई करने के साथ साथ इन किसानों की जमीनों पर रेड एंट्री कर दी है। आप खुद भी देखिए कि पंजाब में किस तरह से किसान खेत में पराली जला रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के क्षेत्र संगरूर में ही 201 किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, साथ ही इनकी जमीनों के ऊपर रेड एंट्री की गई है। जहां किसान पराली को आग लगाना अपनी मजबूरी बता रहे हैं, तो वहीं प्रशासन दावा कर रहा है कि जरूरत के अनुसार किसानों को सुपर सीडर मशीनें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। संगरूर में ही अभी तक पराली जलाने के 2055 मामले सैटेलाइट इमेज से सामने आए हैं, जिनमें से 700 से ज्यादा लोकेशन पर जाकर अधिकारियों ने स्वयं दौरा किया, जहां 201 लोकेशन में आग लगी हुई पाई गई, जिसको लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से 5,02,500 रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से 201 किसानों की जमीनों के रिकॉर्ड पर रेड एंट्री भी की गई। संगरूर कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि मंगलवार तक संगरूर में 2055 ऐसी लोकेशन सैटेलाइट के जरिए ट्रेस हुई थी, जिनमें आग लगने की लोकेशन मिली थी। अभी तक जिनमें से 700 से ज्यादा खेतों में जाकर देखा गया, तो वहां सिर्फ 201 जगह पर ही आग लगी हुई थी, जिसको लेकर किसानों पर जुर्माना लगाया गया। जो 2000 से ज्यादा मामले सैटेलाइट के जरिए ट्रेस हुए हैं, उनमें से कई में कुछ और भी कारण बताए जा रहे हैं। जिन खेतों में पराली में आग लगाई जाती पाई गई, वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से पराली के निस्तारण के लिए बड़े स्तर पर मशीनें दी जा रही हैं, और गांवों में कैंप लगाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।